हेलो माय डियर स्टूडेंट, जी हाँ, थंबनेल में आपने बिल्कुल ठीक ठीक पढ़ा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं, मैं आपको अगर एक सजेशन दूं बच्चों, तो जीवन में मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको एक बार सॉल्व करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर वो एग्जाम में आ जाए तो ज़्यादा समय ले लेंगे ज़रूरत से, बिकॉज थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन होते हैं जो अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर आज की सीरीज़ मैंने सोचा क्यों ना बनाई जाए और बच्चों के काम को आसान किया जाए। जैसा कि लास्ट लेक्चर बहुत धमाकेदार हुआ था, जिसमें मैंने आपको तीन टाइप के फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के क्वेश्चंस की ट्रिक बताई थी, तो अगर वो लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग लेक्चर, और मैं हूं आपका अपना मैथमेटिक्स मेंटर फरमान मलिक, और यह है आपका खुद का प्यारा सा चैनल FM मैथमेटिक्स। तो अगर आप इन क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं और आपको आते हैं तो लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व नहीं किए हैं तो कहीं मत जाइएगा, यहीं मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो मल्टीपल टाइम्स बोर्ड में रिपीट हुए हैं। जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में कराए हैं, उसमें से भी काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, तो मैं उन क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं, मैं वही प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत टेढ़े क्वेश्चन है जिनमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है 2005 2012 2015 में रिपीट हुआ, उसके बाद भी रिपीट हुआ होगा, जिस सोर्स से मुझे ये क्वेश्चन मैंने निकाला है वहां पे ये तीन डेट्स तो मेंशन थी। क्या देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है? तो इसके दो मेथड हो सकते हैं, एक बड़ा लेंदी है और एक काफी शॉर्ट मेथड है। इसी टाइप से एक ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने को दिया गया था 2002 और 2017 में, जाके बाद में फिर रिपीट हुआ। अब बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का ये लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं आप होते तो क्या करते, ये भी क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन क्लास में भी पूछा था, अगर आप होते तो क्या करते, तो बच्चों ने कहा था कि सर हम इसका एलसीएम ले लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वहां से क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता, मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं। तो मैं जो क्या करने वाला हूं, इसमें एक्सपेरिमेंट करने का भी टाइम नहीं है, लेक्चर को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाह रहा हूं, अदरवाइज वो वाला मेथड भी आपको लेंदी वाला करके दिखाता मैं। तो प्लस वन अपॉन एक्स को इधर माइनस में ले लीजिए, जिससे एक्स और एक्स वाले टर्म एक साथ आ जाए। इस टाइप का एक क्वेश्चन और आया है सीबीएसई में, वहां पर टू लग गया था, यहां टू लग गया था, वो आपको होमवर्क में मैं दूंगा। तो ये रह जाएगा वन अपॉन ए और वन अपॉन बी। अगर हम इस साइड का बच्चा लोग एलसीएम ले लें तो ए प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस एक्स से ही पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, यहां माइनस का साइन, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां ए प्लस बी प्लस एक्स बचेगा। और अगर ये बातें किसी को समझ में नहीं आती हैं, वेरिएबल का एलसीएम लेने में दिक्कत आती है, तो बहुत पहले समझा चुके हैं, निंजा टेक्निक लगा दो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा देता हूं, तो इसलिए आपको वीडियो की स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही इतना तेज पढ़ा रहा हूं, ठीक है बात, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गई इतनी बात समझ में आ जाएगी। और यहां पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए से कैंसिल, तो ये ए प्लस बी बच जाएगा, इधर क्लियर हो रही है बात, समझो 10th क्लास के बच्चे हैं समझ जाएंगे। मैं थोड़ा सा एक आध स्टेप स्किप कर दूंगा बच्चों, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कराऊं तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करें तो माइनस का ए माइनस का बी माइनस का एक्स, एक्स से एक्स बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और माइनस बाहर लेते हुए मैं इसको ए प्लस बी रख दे रहा हूं, क्या आपको ये बात समझ आ जाएगी आराम से? हाँ सर आ तो जाएगी, इतने बेवकूफ तो सर नहीं है हम, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं आपको, स्किप एक स्टेप कर दिया है। अब a प्लस बी से क्या बच्चों, ये a प्लस बी कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज ये इसके डिवाइड में जा सकता है, समझ आई? हाँ सर आई। तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, बहुत सिंपल हो गया, ए बी की मल्टीप्लाई माइनस से करो, माइनस का ए बी, और इस पूरे की मल्टीप्लाई इधर वन से करो, तो ये ए एक्स प्लस का बी एक्स एंड प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भैया सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी एक्स माइनस का ए बी अपन इधर प्लस में ले आएंगे। सर फैक्टर कैसे करें? सर इसकी मल्टीप्लाई इससे करें, जो आपने सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि सी की मल्टीप्लाई ए से करनी होती है सर। हाँ बात तो सही है, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए करनी होती है, यहां तो मिडिल टर्म ऑलरेडी स्प्लिट है, बी एक्स और ए एक्स, एक्स दो बार आ रहा है ना, तो मिडिल टर्म ऑलरेडी स्प्लिट है, तो भैया पीके बनने की जरूरत तो है नहीं फालतू में, तो यहां से सर कुछ मत करो, x कॉमन ले लो,
ये सबसे सिंपल मेथड है। अगर हम दूसरे मेथड से करते, यहां पर अगर हम एलसीएम लिए होते तो बहुत लंबी सी इक्वेशन बनती, होल स्क्वायर बनाने पड़ते, बहुत दिमाग लगाना पड़ता। तो एक्स टाइम नहीं था इसलिए एक्सपेरिमेंट मैंने करके आपको दिखाया नहीं, फिर मैं कहता वैसे नहीं करना है तो आप करते गुस्सा, पूरा मेथड सिखा दिया फिर कह रहे हैं ऐसे नहीं करना है, तो जैसे करना था वैसे ही बता देते हैं। तो यहां बेटा बी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स प्लस बी बचेगा इक्वल टू जीरो। तो एक फैक्टर हो गया एक्स प्लस है, दूसरा फैक्टर हो जाएगा एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। आइदर एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, यहां से एक्स की वैल्यू बच्चा माइनस ए आ जाएगी, यहां से एक्स की वैल्यू माइनस बी आ जाएगी। अब बताइए कमाल का क्वेश्चन है कि नहीं है, तीन बार सीबीएसई में आया है कि नहीं आया है, तो बताइए लेक्चर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो फटाफट लाइक मार दो और जहां जहां जो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कर दो, थोड़ी हेल्प हो जाएगी उनकी भी और सर को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, चलिए आगे करें। तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और भी दमदार है, जो इसके बाद लिखा था वो मैं लास्ट में कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, तो जैसा कि मुझे दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन है 9x² कुछ ज्यादा ही दमदार दिखाई पड़ रहा है, माइनस का 6b² x। इस टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में कराया है बच्चों, वहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, यहां पर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है, यहां पर शायद माइनस का 4b था, यहां b स्क्वायर में आ रहा है। ये क्वेश्चन बच्चा 2015 में आया था, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ये 2022 में आ जाए तो हमारे बच्चे सॉल्व कर पाएंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। तो इसीलिए तो ये लेक्चर की सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फुद्दू क्वेश्चन नहीं है। सर आपने सिखाया था इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, हाँ बेटा सिखाया है, बिल्कुल सिखाया है। तो सर ये हो जाएगा 9a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर, इसके फैक्टराइजेशन करवाइए। तो 9 को तो हम 3 3 कर लेंगे, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के फैक्टर तो बनाइए पहले, इसको ही तो सॉल्व करना था। अब ध्यान से सुनिए, a की पावर 4 को मैं a स्क्वायर का स्क्वायर लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, चुभेगा तो नहीं, नहीं सर चुभेगा तो नहीं। b की पावर 4 को b स्क्वायर का स्क्वायर, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाए तो ये हो जाएगा a प्लस b, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एक हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना समझ आ जाएगा आपको, बहुत ही बढ़िया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है बच्चे लोग, सर बिल्कुल सही है। तो हम क्या करते हैं, 9 था 9 के फैक्टर कर देते हैं, 3 3 9, एक 3 इसके साथ लगा देते हैं, एक 3 इसके साथ लगा देते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 6 ए स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। ये वाला प्लस का लेंगे, ध्यान दीजिएगा 3a² - b² एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, फैक्टर को प्लस माइनस करके तो बनाना होता है, तो माइनस और साथ में ये वाला फैक्टर लेंगे, ध्यान दे लीजिएगा यार थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो 3a² - -3a² कैंसिल, और बच्चे ये क्या बचेगा, माइनस का 3b², और ये भी हो जाएगा माइनस का 3b², जो कि आ रहा है माइनस का 6b². तो अपना काम बनता बच्चों, भाड़ में नहीं जाए जनता यार, अपना काम बनता, जनता के लिए ही तो ये काम हो रहा है, ठीक हो रही है बात, क्लियर बिल्कुल। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो उड़ जाएगा ऐसा ही, ठीक है। चलिए तो क्या करना था, 9x² प्लस का लेना है 3a² - b² x, और माइनस का लेना है 3a² + b² x। इन दोनों को सॉल्व करोगे ये बन जाएगा वापस, समझ में आ गई बात, हाँ जी सर। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, जब भैया इसमें से कॉमन लेना है तो इसको भी उसी फॉर्म में लिखो जैसे अभी फैक्टर किए थे, a² + b² a² - b² बच्चों ये है असली गेम, उस चीज को नोट कर लीजिएगा आप साइड में, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ये क्या हो गया, बोला था इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट है। क्या कॉमन दिख रहा है सर, 3 और x के अलावा कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है, 3 3 9, 3x कॉमन हो गया, तो ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। बताओ इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, सर a² + b² कॉमन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल बात सही है, प्लस का लिया जाए कि माइनस का लिया जाए, तो हमें यहां प्लस का 3x रखना है,
तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया जाए, जब माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ये 3x बचेगा। बात समझ में आ रही है? और यहां पर प्लस का माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले चुके तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो बचेगा। अब देखो दो फैक्टर सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ सर। ये थी सवाल की लैंग्वेज, ये थी सवाल की डिमांड। बहुत आराम से करके बैठ जाओगे। 3x माइनस खोल दें या ऐसे रख दें माइनस में ही, चलो ऐसे ही रख देते हैं। इसको जीरो के इक्वल रखवाओगे डायरेक्ट लिख देते हैं x की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, अपॉन 3 आ जाएगी। और इससे क्या आएगी, ये माइनस दोनों उधर प्लस के हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगी। तो बेटा आंसर भी आपका यही है, बिल्कुल ठीक आंसर आपका आया है। समझ में आ गई बात आपको? तो देखा, अगर ये क्वेश्चन आपने पहले से सॉल्व नहीं करे होंगे तो इनमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए ये लेक्चर बनाए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट स्क्रीनशॉट लेना लेट कर लेक्चर को देखना सब गलत बात है बच्चों। नोटबुक निकालिए, नोट करिए, क्वेश्चन को पाउज करके, मतलब वीडियो को पाउज करके पहले क्वेश्चन का ट्राई कीजिए, नहीं होता है तब जाके सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन नंबर हाँ और दिखाई दे रहा है बच्चों, 3 नंबर 2x² प्लस ax माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ कॉन्स्टेंट भी एक ही फॉर्म में दे रखे हैं और ये क्वेश्चन अपना 2014 में आया था। सर रिसेंट क्वेश्चन नहीं ले रहे हो? सर 18 के क्वेश्चन लो, 19 के क्वेश्चन लो, 20 के क्वेश्चन लो, फुद्दू क्वेश्चन थे, नहीं लिए। अगर ये आ गया तो क्या करोगे? पूरी कहानी है ये यार, वो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कर लो, काम बिंदास हो जाएगा आपका, इतना काफी है, सफिशियंट है, जितना पढ़ा दिया सफिशियंट है, जाओ हो गया काम, ठीक है। अरे ऐसा ही थोड़ी ना खड़े हुए यहां पर, चलो ठीक है, एज भले ही कम है तजुर्बा बहुत है, ठीक है, 6 साल ऐसे ही नहीं हो गए पढ़ाते पढ़ाते, चलो कोई बात नहीं। ए स्क्वायर की 2 से मल्टीप्लाई कराओगे? सर 2a² बात तो सही है, सर फैक्टर करा दीजिए, 2 का तो कोई फैक्टर होगा नहीं, ए स्क्वायर के जरूर फैक्टर हो सकते हैं, a 2a, तो एक साइड 2a कर देते हैं, एक साइड a कर देते हैं, मल्टीप्लाई कराने पे 2a² आ जाएगा और 2a से माइनस a कराने पे a आ जाएगा। सर ये बहुत बढ़िया समझाते हो आप, ये समझाया नहीं जाता, यही तो निंजा टेक्निक है यार अपनी, ठीक हो रही है बात? यही तो चीज है, इसकी वजह से तो क्वेश्चन हो रहा है, मैं यही पार्ट स्किप कर दूं तो मेरा बेस ही कहां बचेगा फिर, मैं ही नहीं रहूंगा, लर्निंग ही नहीं रहेगी। क्वेश्चन कराने पे सारा लोग इम्फेसाइज कर रहे हैं, इम्फेसाइज क्वेश्चन कराने पे, सारा जो दम है वो क्वेश्चन करने पे लगा रहे हैं, जबकि इंपॉर्टेंट तो ये है ना। चलिए ठीक है, 2x² प्लस का 2ax माइनस का ax, x तो इसलिए लगा दी क्योंकि वहां पर x होता है ना, ये तो समझाने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या कॉमन लोगे? 2x कॉमन लोगे, x बचेगा, प्लस का a बचेगा, माइनस a कॉमन लोगे, x प्लस a बचेगा, तो एक हो जाएगा x प्लस a, दूसरा हो जाएगा 2x माइनस a इक्वल टू शून्य। इसको जीरो रखवाओगे x की वैल्यू माइनस a आ जाएगी, इसको जीरो रखवाओगे x की वैल्यू a बाई 2 आ जाएगी। बिल्कुल सही सही 16 आने सत्य बिल्कुल आंसर आ रहा है, 100% सही है। अब बताइए कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं? बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों, पढ़ाई को करते रहिए इसी तरीके से, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जहां से मिले वहां से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, क्वेश्चन 4 कुछ अलग ही कैटेगरी में दिया है, 16x - 1। मेरी कोशिश ये है कि मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दूं, ये ना हो कि एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आए कि सर इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन भी बच्चों 2014 का है, तो थोड़े से इस टाइप के तो हमने करे भी थे लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन, बट फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को उठा लिया है, तो जब उठा लिया है तो फिर कर ही लेते हैं। वन मान के क्या कहता है, एलसीएम ले लीजिए, तो 16 - x हो जाएगा, अपॉन x हो जाएगा, और ये 15 - x + 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 - x + 1 इक्वल टू 15x। 16 की x से कराइएगा, 16 की 1 से कराइएगा, माइनस x की x से कराइएगा, माइनस x² माइनस x की 1 से कराइएगा, माइनस x इक्वल टू 15x।
16x में से एक x जाएगा तो 15x बचेगा। बड़ा ही हलवा सवाल है भैया ये तो, काहे ले लिए, 15x से 15x कैंसिल हो जाएगा। उधर ले चलते हैं दोनों को, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का बराबर 0, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर प्लस माइनस 4। ये कहानी आपको क्लियर है ना प्लस माइनस वाली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस का 4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आएगा। तो जब भी हम किसी नंबर से स्क्वायर हटा के उधर स्क्वायर रूट लगाते हैं लाइक दिस, तो आगे प्लस और माइनस का साइन जरूर लगाएं आप, वरना आपका एक रूट मिस हो जाएगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, जितनी डिग्री उतने रूट। ये कहानी नई नई है बच्चों, सब समझा चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो ये तो बड़ा बच्चा सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन ये है बच्चों, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लगा लीजिए। x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 48 अपॉन 7, और ये क्वेश्चन 2015 में देखने को मिला, क्या करिएगा बताइए। तो सर एलसीएम ले लेंगे, निंजा टेक्निक सर आपकी वाली, इसकी मल्टीप्लाई से इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई है ना, ठीक है भाई। x माइनस 3 का x माइनस 3 से करोगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है, 48 अपॉन 7। हालांकि इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है अपने पास एक, है कि नहीं, लगा लें इस पूरे को ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो, होल स्क्वायर खोलने से बच जाओगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 3। फिर क्या होता है, ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस 3 माइनस, जब इसमें करोगे तो माइनस का ही एक्स हो जाएगा और माइनस का ही 3 हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, समझे, बहुत आराम से समझ। एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 48 अपॉन 7। जहां भी जो ट्रिक लग रही है लगाओ, मैथमेटिक्स कभी कुछ नहीं रोकती, ना कभी गलत होता सवाल। माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, प्लस 3 कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कितना बचा 2x, यहां x से x कैंसिल हो गया, माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 6, तो जब माइनस 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 12x हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 48 अपॉन 7, 12 से 48 को डायरेक्ट ही काट दे रहे हैं, 12 4 जा 48, बस हो गया था। यहां दिखा देते हैं, 7 1 जा 7, माइनस था साथ में एक्स था, माइनस का 7x हो जाएगा। 12 4 जा 48 करता, 4 की इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 4 9 जा माइनस का 36। उधर ले चलिए सबको, 4x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 36 इक्वल टू 0। एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है बच्चों, 36 की मल्टीप्लाई 4 से कराना है, मिडिल टर्म यानी कि 7 बनाना है, मेरा काम इतना था। इसका आप आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका क्या आया। इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूं, अब इसको भी नहीं करोगे तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यहां पर प्रिंटर नहीं चल रहा है कि आपने देखा और बस छाप लिया, जितनी काम की बात थी बस उतनी ही होगी, ये लर्निंग हो रही है, यहां पर सीखना चलता है। एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन और देखने को मिला था एक बार सीबीएसई एग्जाम में। 3 प्लस एक्स की जगह यहाँ पर 5 प्लस एक्स है, 5 माइनस एक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो ये भी है 5 प्लस एक्स और इक्वल में है बच्चों 3 होल नंबर 3/4। अभी वो ए वाला क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों जो स्टार्टिंग में दिखाया था, उसकी कहानी अलग ही है, तो बने रहिए देखते रहिए, लास्ट में वो क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में करेंगे, बहुत आसान सवाल है, आराम से बन जाएगा जैसे कि अभी कराया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नया दिखाई दे रहा है। a अपॉन x माइनस बी प्लस बी अपॉन x माइनस ए और इक्वल में 2 है बच्चों। 2016 में ये सवाल आया, अब देखो इसको कैसे करना है। एलसीएम ले लें, एक्स माइनस बी एक्स माइनस, यही तो करते हैं, अगर करते बताइए क्या करते, यही तो करते ना। तो
तो x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस ए, तो a की मल्टीप्लाई x माइनस ए से होगी, प्लस का साइन, x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, b की मल्टीप्लाई x माइनस बी से होगी इक्वल टू टू, मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का बी स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स, ठीक है कि नहीं, माइनस का ए एक्स और माइनस माइनस प्लस का ए बी इक्वल टू टू, आराम से हो जाएगा, कुछ वैसी कहानी बन गई जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बनी थी ना, कुछ वैसा ही बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो इस साइड वाला ऐसे, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी जरूरत स्पेस की ज़्यादा है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देते हैं, नोट आपने कर लिया होगा, इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हटा देते हैं, ठीक। तो ये तो ऐसे ही रहेगा ए एक्स माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स की टू से होगी, माइनस का टू बी एक्स माइनस का टू ए बी, और कुछ हाँ यही तो गड़बड़ लिखे थे, दिख गया हमको, चिंता करने की कोई बात नहीं है, माइनस का बी एक्स माइनस का ए एक्स, तो माइनस का टू ए एक्स हो जाएगा और प्लस का टू ए बी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर है तो सारे टर्म इधर लेकर आएंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू बी एक्स है, माइनस का ए एक्स इधर और ले आइए, माइनस का ये वाला बी एक्स ले आइए, तो बात वही आएगी, माइनस का हो जाएगा आपका थ्री बी एक्स, माइनस का हो जाएगा आपका थ्री ए एक्स, ठीक है बात, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर दोनों माइनस के इधर प्लस में आएंगे बच्चों, किस में आएंगे, प्लस में, और प्लस का टू ए बी और है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बताइए बनाए कि नहीं बनाए, समझ में आ रही है बात, हाँ सर आई तो है, थोड़ी थोड़ी तो आई है, ठीक है। अब उसके बाद आगे की कहानी देखते हैं क्या होता है, एक बार इसको रीचेक करेंगे, कुछ आशंका सी लग रही है गड़बड़ होने की, ए एक्स ए स्क्वायर बी एक्स बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस का ए एक्स प्लस का ए बी, टू से मल्टीप्लाई कराया, टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू बी एक्स माइनस का टू ए एक्स प्लस का टू ए बी, ए एक्स इधर आया माइनस में, माइनस का थ्री एक्स हो गया, माइनस का थ्री बी एक्स हो गया बच्चों, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टू, अब देखिए थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करेंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री और एक्स कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, सही है बात, या ऐसे कह लीजिए कि सर माइनस का थ्री ए प्लस बी और साथ में एक्स, देखिए क्या करा, माइनस थ्री कॉमन ले लिया, ए प्लस बी बचेगा साथ में एक्स बचेगा, क्यों कराया, क्योंकि यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर कैसे बन रहा था वो आप समझ गए होंगे ना, माइनस का ए स्क्वायर इधर आएगा प्लस में, माइनस का बी स्क्वायर इधर आएगा प्लस में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी था, तो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई टू से कराएं तो ये हो जाएगा टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर इसके फैक्टर करें तो टू ए प्लस बी और ए प्लस बी, टू इसके साथ अब इन दोनों को ऐड कर लें तो टू ए प्लस बी और ए प्लस बी कितना हो जाएगा बताइए, थ्री ए प्लस बी, बात समझ में आ गई ना, और यही हमें क्या बनाना था, थ्री ए प्लस बी बनाना था, लेकिन हमें माइनस का बनाना, तो दोनों हम माइनस के ले लेंगे, बस ये है गेम असली, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए प्लस बी एक्स माइनस का ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि देखने में लग रहा था पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, सिंप्लीफिकेशन बनाने से बना ये सवाल, तो रट के तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर 2x कॉमन ले लिया क्या बचेगा, x बचेगा माइनस का 2 और साथ में a प्लस बी बच रहा है, नहीं 2 तो कॉमन ले लिया, ठीक है तो माइनस का a प्लस बी बच रहा है, अब इसमें क्या कॉमन ले लें, माइनस का a प्लस बी ही कॉमन ले लें, तो इसका x बचेगा और यहां माइनस का a प्लस बी बचेगा इक्वल टू जीरो, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ए प्लस बी के ए प्लस बी से कराओगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक फैक्टर हो गया एक्स माइनस ए प्लस बी और एक फैक्टर हो गया टू एक्स माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, काफी अच्छा क्वेश्चन निकला ये,
जीरो में भी जीरो के इक्वल रखोगे इसको और फिर उसको राइट हैंड साइड में भेजोगे तो x की वैल्यू a प्लस बी आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू a प्लस बी अपॉन टू आ जाएगी। दैट्स ऑल बच्चों, ये था हमारा सवाल। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करिए। तो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इस टाइप के सवाल है भाई, सारा काम करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ए टू जेड। नेक्स्ट लेक्चर बहुत धमाकेदार होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ कराएंगे उसके अंदर, बहुत धमाकेदार। एक क्वेश्चन और काफी अच्छा दिखाई दे रहा है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए सी एक्स माइनस का बी सी। घबराने की जरूरत नहीं है कि सर भाई बी की मल्टीप्लाई, हाँ माइनस का बी सी है यार, हाँ बी सी की मल्टीप्लाई सर ए बी से कराया, ए बी स्क्वायर सी हो गया, सर इससे ये कैसे बनाए। जब इस टाइप के क्वेश्चन हो ना, यहाँ बीच में प्लस माइनस लगे हो, तो आप, मैं कहता हूँ ये फैक्टर बने बनाए, स्प्लिट हो जाएगा। देखो पिछले शायद कहीं क्वेश्चन आया था, तब भी पिछले लेक्चर में भी ये बताया था, बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स से कराओ, बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए सी एक्स माइनस का बी सी इक्वल टू जीरो। जरा कॉमन बना के देखो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है तो ठीक है, वरना फिर कुछ और करेंगे। तो ए बी एक्स स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, तो बी कॉमन मिलेगा सिर्फ, साथ में एक्स कॉमन मिलेगा, क्या बचेगा ए एक्स बचेगा, या क्या बचेगा बी बचेगा, माइनस ए सी माइनस बी, तो माइनस का ए सी माइनस का सी कॉमन लो, क्या बचेगा ए एक्स बचेगा, सी कॉमन है क्या बचेगा, प्लस का बी बचेगा। बच्चों देखो जरा फैक्टर, देखो फैक्टर सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यही तो कहे थे। तो जब भी कोई इस टाइप का सवाल आता है ना, तो उसी को आप स्प्लिट कर दीजिए, वो एक्चुअली ऑलरेडी स्प्लिट है। तो ए एक्स प्लस बी हो गया एक फैक्टर, और एक हो गया बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। इसको जीरो का इक्वल रखेंगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस बी अपॉन ए, इसको जीरो का इक्वल रखेंगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी सी अपॉन बी। यही हमारे आंसर है। अब आखिरी के दो क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं, तीन क्वेश्चन, तीन में से दो आपके होमवर्क के बनते हैं, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं अभी, और एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसको हटा देते हैं। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेक्चर की सीरीज भी यहां पर कंप्लीट, सीरीज क्या एक लेक्चर जो था वो कंप्लीट हो गया। आगे आगे जैसे जैसे प्रीवियस ईयर में टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा, उसके प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराता जाऊंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन 9, उसी का सिमिलर क्वेश्चन है, 1/2a, नोट कर लीजिए, 1/2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। ये क्वेश्चन आपका 2013 में आया था बच्चों, जैसा पहला क्वेश्चन कराया था वहां पे था 1/a प्लस बी प्लस एक्स, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, यहाँ पे 2a 2b 2x कर दिया, तो यहाँ भी 2a 2x कर दिया। तो आपको सेम काम करना है, 2x को इधर लेकर आना है, उसके बाद LCM लेना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर भी बता देता हूँ, x की वैल्यू x इक्वल टू माइनस ए आएगा, और एक x की वैल्यू आएगी माइनस का b बाई टू, ये दो इसके आंसर आएंगे, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपको होमवर्क में करना है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 माइनस 4 5x माइनस 3 अपॉन 7x प्लस 1 इक्वल टू 11। 2014 का क्वेश्चन है, इसका आप एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये 7x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करके, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करके, जो वैल्यू लाइक टर्म्स हैं उनको आप कैंसिल आउट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, और बहुत सिंपल सा इसका आंसर आपको मिलेगा, एक x की वैल्यू मिलेगी 0 और एक x की वैल्यू मिलेगी 1। तो ये भी आपको होमवर्क में करना है बच्चों। आखिरी क्वेश्चन जो बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, वो क्वेश्चन अब मैं आपको करा रहा हूं, बिकॉज उसमें कॉमन लेने के कोई चांस नहीं बन रहे थे। चलिए क्वेश्चन ही देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 2017 यानी कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। अब अभी तो अक्सर कह रहे थे आप कि जब ये यहां पर प्लस या माइनस में लिखा होता है मिडिल टर्म, तो ये ऑलरेडी स्प्लिट होता है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है दो बार। मतलब 1 की मल्टीप्लाई, अब देखो बात को सुनो, 1 की मल्टीप्लाई 1 से कराओगे 1 बचेगा,
और 1 से a प्लस 1 अपॉन a कैसे बनाओगे? हालांकि बन रहा है लेकिन मैं उसमें आपको उलझाना नहीं चाह रहा हूं। a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा और प्लस करने पे यही तो बन रहा है। तो एक टेक्निक पहले आप समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। मैं बोलूं बेटा 14 में से 2 कॉमन निकालिए तो आप कहेंगे सर 2 सेवन्स का 2 कॉमन आ गया, बिल्कुल ठीक है। बेटा 48 से 12 कॉमन निकालिए तो आप कहेंगे सर 12 फोर्स का 12 कॉमन आ गया, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब दीजिए, 7 में से 5 कॉमन निकालिए, सर आएगा ही नहीं बिकॉज 7 के दो ही फैक्टर हैं, 7 × 1। मैं कहता हूं आ जाएगा, जबरदस्ती वाला कॉमन बोलता हूं मैं उसको, मैं कह रहा हूं आ जाएगा। अगर उसमें कॉमन नहीं मिल रहा है तो जो भी आप कॉमन ले रहे हैं उसके डिवाइड में लिख दीजिए ना, क्यों नहीं बनेगा? भैया जब मल्टीप्लाई कराओगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 बनेगा ना। कहानी समझ में आ रही है आपको? मैं यही मेथड इसमें लगाने वाला हूं। अगर आप वैल्यू कोई भी वैल्यू कॉमन लेने की जरूरत पड़ रही है, अगर आपको लग रहा है मुझे इसमें से कुछ कॉमन चाहिए, 5 चाहिए, तो आप यहां 5 लिखो, इसके डिवाइड में लिखो ना 5, कौन मना कर रहा है? यही कहानी इसमें लगेगी, यही कहानी। देखिए ध्यान से सुनिए, समझ आ जाएगा, फिर आप कहोगे सर अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। एक्स स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई एक्स से कराएं, ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है? सर इसमें से कॉमन मिल रहा है एक्स, क्या बचेगा? एक्स प्लस ए। तो बच्चों मुझे ये भी यहां पर भी एक्स प्लस ए बनाना है कॉमन लेने के बाद, ऑब्वियस बात है यहां एक्स चाहिए, सीधी बात है यहां क्या चाहिए? एक्स। तो क्या कॉमन ले लें? सर 1 अपॉन ए कॉमन ले लीजिए। हाँ ठीक है, 1 अपॉन ए कॉमन ले लिया, एक्स बचा। सर 1 से 1 अपॉन ए कैसे कॉमन मिलेगा? मैंने क्या कहा था? जिस वैल्यू से आपने जो कॉमन लिया उसको डिवाइड में भेज दीजिए। तो 1 में से 1 अपॉन कॉमन नहीं मिल पा रहा तो 1 के अपॉन में 1 अपॉन ए लिख दीजिए, ए कहां पहुंचेगा? ऊपर। समझे कि नहीं समझे? रेसिप्रोकल कर दीजिए ना। तो यहां क्या लिखेंगे आप? ए। अब देखिए ध्यान से देखिए, 1 अपॉन ए की मल्टीप्लाई जब ए से कराएंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 ही तो बचेगा। तो 1 में से अगर मैं 1 अपॉन ए लिख रहा हूं यानी कि कॉमन में, तो मल्टीप्लाई में भी ए लिखना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? वही तो बताया, डिवाइड कर दो, बस खत्म, डिवाइड कर दो, हो जाएगा काम, बस ये थी कहानी। अब देखो एक्स प्लस है, एक्स प्लस है, हो गया सवाल। एक्स प्लस है, एक्स प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए। अब बताइए मजा आया कि नहीं आया? इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई लगातार पूछ रहा है और एक आध क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आएगा जरूर। तो इतने क्वेश्चन अगर आप इस टाइप के कर लेते हैं तो या तो कोई इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा या कोई इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इतने क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पे जो मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ाए वो सफिशियंट है, कोई दिक्कत आपको आगे आएगी नहीं। और जितने जितने टॉपिक मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से कराता जाऊंगा जो क्वेश्चन यूनिक है। तो इसी तरीके से बने रही हमारे साथ। और जो भी नीडी बच्चे हैं, जो भी नीडी बच्चे हैं, एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं आपको मालूम ही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये अपने वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।